नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का बुलेटिन। भारत चीन सीमा विवाद में अमेरिका की मध्यस्थता पर चीन ने दी प्रतिक्रिया। चीन के सरकारी मीडिया ने दिया जवाब, सीमा पर जारी टकराव के लिए नहीं है अमेरिका की जरूरत। चीन ने की हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लाने की कोशिश। चीन के खिलाफ लामबंद हुए चार बड़े देश, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने जारी किया संयुक्त बयान, तो वहीं ब्रिटेन ने भी दी धमकी। फिर खुला वुहान का जिंदा जंगली जीवों का बाजार, यहीं से फैला था कोरोना वायरस। जिस बाजार से कोरोना वायरस फैलने की कही जाती है बात, उसका नाम है द हुआनन सी फूड होलसेल मार्केट। ईरान में लगातार बढ़ रहे ऑनर किलिंग के मामले, 14 साल की रोमिना अशरफी की हुई हत्या, प्रेम संबंध से नाराज पिता ने गर्दन काटकर की हत्या। वहीं ऑनर किलिंग मामले में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। घटना के बाद ईरान के लोगों में खासी नाराजगी, सोते समय दिया था आरोपी ने वारदात को अंजाम। पाकिस्तान के कराची में दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे से मिले 3 करोड़ रुपए, हवाई अड्डे की सुरक्षा और सामान जांच के तंत्र पर उठे सवाल। दुर्घटना में 9 बच्चों समेत 97 लोगों की हुई थी मौत। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना से 59 लाख से अधिक लोग संक्रमित, वहीं 3,62,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, तो 25 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, कोरोना मरीजों की संख्या 1,65,000 के पार, तो अब तक 4,706 लोगों ने गंवाई जान, वहीं 71,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया मंथन। अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम से वार्ता करने के बाद पीएम मोदी को दिया फीडबैक, 31 मई को समाप्त हो रहा है लॉकडाउन का 4वां चरण। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा होगा जारी, मार्च के अंतिम तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी आएंगे सामने, मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बहुत कम रहने का अनुमान। पुलवामा में बारूद सेल अधिकार वाले मामले में सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता, कार मालिक की हुई पहचान, शोपियां निवासी हिदायतुल्लाह नाम के शख्स की है कार, 2019 से हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी है हिदायतुल्लाह। राबड़ी आवास के बाहर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, गोपालगंज जाने के लिए निकले तेजस्वी यादव, पुलिस ने कार को घेरा, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में जा रहे थे गोपालगंज, राबड़ी आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ाने के पक्ष में है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गृहमंत्री अमित शाह से की 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की मांग, वहीं रेस्टोरेंट और जिम खोलने की मांग की अनुमति। सीबीआई ने की मरकज पर शिकंजा कसने की तैयारी, क्राइम ब्रांच ने सीबीआई को सौंपी जानकारी, तो वहीं दिल्ली पुलिस 35 देशों के 910 विदेशियों के खिलाफ पहले ही कर चुकी है आरोप पत्र दाखिल। दिल्ली यूपी पर मंडराए टिड्डियों के हमले का खतरा, दिल्ली सरकार ने किसानों को किया अलर्ट, तो वहीं टिड्डियों ने कई राज्यों में किया फसलों को बर्बाद। देश के कई हिस्सों में आज आंधी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, 31 मई तक भारत के इलाकों में भारी बारिश की संभावना, तो वहीं 1 जून को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून। दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्कर पाब्लो एस्कोबार के भाई का आईफोन हैक मिलने की जानकारी से मारने की धमकी मिलने लगी, एप्पल पर किया अरबों का केस। पैरासिटामोल दवा पर लगा निर्यात बैन वापस, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने दी जानकारी, देश में इस दवा की कमी ना हो इसलिए निर्यात पर लगाया था बैन। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड बनवाने के नियम को किया आसान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की इस सेवा की शुरुआत, आयकर विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं अप्लाई, अब सिर्फ 1 क्लिक में मिलेगा पैन नंबर। बेटे की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पति ने नहीं दिया लाया स्मार्टफोन, तो महिला ने खुद को किया आग के हवाले, महिला की हुई मौत, साउथ दिल्ली के मैदान गढ़ी एरिया की घटना। मजदूरों के पलायन पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा अब मजदूरों को जीने के लिए चाहिए न्याय, यही है सरकार की नीयत की असली परीक्षा। इस्कॉन ने विवादास्पद वीडियो के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा, स्टैंड अप कॉमेडियन सुरलीन कौर ग्रोवर और एंटरटेनमेंट कंपनी शेमारू के खिलाफ शिकायत दर्ज, महिला कॉमेडियन पर इस्कॉन, ऋषि मुनि और हिंदू धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो, बेहद रिलैक्स मूड में नजर आए अनुपम खेर, कहा काश ऐसी भी हवा चले, कौन किसका है पता चले। प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बने अभिनेता सोनू सूद, गर्भवती महिला को पहुंचाया मुंबई से दरभंगा, महिला ने बच्चे का नाम रखा सोनू सूद, तो वहीं अभिनेता सूद ने बताया इसे बड़ा अवार्ड। लॉकडाउन में शूटिंग को मिस कर रहे वरुण धवन, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो, थ्रोबैक फोटो के जरिए बताया अपने मन का हाल।
अभिनेत्री करीना कपूर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टाइम मैगजीन का कवर पेज किया शेयर। मृत अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड के लिए न्याय की मांग। फोटो में अमेरिका 1968-2015 के अलावा क्या बदला और क्या नहीं बदला लिखा नजर आ रहा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बन्ना के पिता का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। पिता के साथ दो सुरक्षा गार्ड सहित 7 लोग संक्रमित। नरेंद्र ने खुद को किया 17 दिन के लिए क्वारंटाइन। 17 जून को होगी इंग्लिश प्रीमियर लीग की शुरुआत। पहले दिन खेले जाएंगे 2 मैच। एस्टन विला और शेफील्ड यूनाइटेड के बीच होगी पहली टक्कर, तो वहीं मैनचेस्टर सिटी का होगा आर्सेनल से मुकाबला। ग्रोफर्स में बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकता है पेटीएम मॉल। दोनों कंपनियों के विलय की है संभावना। सॉफ्ट बैंक के नेतृत्व में चल रही बातचीत। जापान का निवेश समूह सॉफ्ट बैंक है बड़ा निवेश। फेसबुक से मुकाबले की तैयारी में जुटा गूगल। जल्द खरीदी जा सकती है वोडाफोन आइडिया की 5% हिस्सेदारी। वित्तीय संकट से गुजर रही टेलीकॉम कंपनी। वोडाफोन आइडिया पर कुल 53,000 करोड़ रुपए AGR बकाया। हरियाणा के जमालपुर में बैंक के बाहर पूर्व एमएलए के भाई और पुलिसकर्मी में झड़प। स्थानीय लोगों ने किया बीच बचाव। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर सील। हरियाणा सरकार ने सील के आदेश किए जारी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। अलवर के बानसूर में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। ग्राम पंचायत रसनानी में अवैध खनन करते जेसीबी को किया जब्त। जेसीबी का ड्राइवर मौके से फरार। खनन माफिया के खिलाफ भू राजस्व अधिनियम के 1956 की धारा 91 के तहत कार्रवाई के निर्देश। नागौर के पादुकला में मारवाड़ी फिल्म के निर्माता निर्देशक एस अमनताज का किया स्वागत। वहीं अमनताज ने की लोगों से कोरोना से बचने की अपील और साथ ही लॉकडाउन की पालना करने की अपील। झुंझुनू के AEN कार्यालय में गिरा पंखा। हादसे में बाल बाल बचे कर्मचारी। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। शिकायत के बाद भी नहीं किया समाधान। झुंझुनू जिला कलेक्टर को भामाशाह ने सौंपा 1.21 लाख रुपए का चेक। कोरोना महामारी में जरूरतमंदों की मदद के लिए की राशि भेंट। मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाई जाएगी राशि। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे में गहराया पेयजल संकट। पानी की किल्लत को लेकर भाजपा ने निकाला मोर्चा। मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। बिजली के बिल माफ करने और पानी के टैंकर से पेयजल सप्लाई की मांग। SHO विष्णुदत्त विष्णोई आत्महत्या प्रकरण की CBI जांच की मांग। नागौर के देगाना में विष्णोई समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कहा ईमानदार जाबाज अधिकारी की चढ़ाई गई बलि। अजमेर के नसीराबाद में सेना के आला अधिकारी और जवान बांट रहे हैं कोरोना सुरक्षा किट। ग्रामीणों के साथ गरीबों का रखा जा रहा है ध्यान। स्थानीय लोगों ने जताया सेना के अधिकारियों का आभार। भरतपुर SP का गनमैन कोरोना पॉजिटिव। IPS हैदर अली जैदी खुद को कर चुके क्वारंटाइन। करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के संपर्क में आया जैनेन्द्र।